नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड काउंसलिंग के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय के थ्रू जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार बीएड एंट्रेंस काउंसलिंग के लिए, जो अब बात आती है एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इससे पहले वीडियो बना दी है और आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी लिंक, और वहाँ से आप बीएड की रिजल्ट देख सकते हैं। कैसे मैंने बताया उसमें कैसे कैसे आपको रिजल्ट देखना है, वो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि बिहार काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग कहाँ पर होने वाली है, कब से काउंसलिंग होगी, एक सीट पर कितने दावेदार हैं, कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, जानने के लिए बने रहिए पूरी वीडियो को। और एक रिक्वेस्ट है, जिन फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसको लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखते हैं क्या है नोटिस। देखिए, नोटिस जो है प्रभात खबर की न्यूज द्वारा आया है, मैं आपको बता रहा हूँ उसमें। ये देखिए, इस न्यूज को मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। बीएड नामांकन हर सीट के लिए दो दावेदार, 27 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग। देखिए, पटराज प्रकाश तो ये न्यूज, राज्य के सभी मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों के सत्र 2018 से 2020 में नामांकन के लिए हुए राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया है। रिजल्ट कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी NOU के वेबसाइट पर उपलब्ध कुल 33,700 सीटों के लिए आयोजित परीक्षा में 61,682 छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। यानी कि 33,700 सीट थी टोटल बीएड की, उसमें 61,682 छात्र छात्राएं क्वालिफाइड हुए हैं। इनमें से पुरुषों की संख्या 37,490 में महिलाओं की संख्या 24,192, यानी हर सीट पर के लिए कम से कम दो दावेदार तो होंगे। यहाँ पर देखिए, बात करते हैं कि कितने एक सीट पर कितने दावेदार हैं, तो यहाँ पर बताया है इन्होंने, यानी हर एक सीट पर कम से कम दो दावेदार होंगे। 27 जुलाई से 8 अगस्त के बीच 9 से शाम 6 बजे तक स्थानीय ज्ञान भवन गांधी मैदान में काउंसलिंग होगी। सबसे मेन बात आती है, मैंने आपको बस इसलिए वीडियो ज़्यादा बनाया कि 27 जुलाई से 8 अगस्त के बीच सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी शाम के 6 बजे तक। और अब बात आती है कि काउंसलिंग होनी कहाँ है, स्थानीय भवन गांधी मैदान में काउंसलिंग होगी। स्थानीय ज्ञान भवन गांधी मैदान में आपकी काउंसलिंग होगी। और फ्रेंड्स, एक बात और कहूँगा कि और कोई अपडेट आता है वो भी आपको जल्दी ही दिया जाएगा। मैं आपके लिए कट ऑफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, कितने कट ऑफ आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी समस्या है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और वीडियो को लाइक नहीं करते फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक वीडियो करें और अपने फ्रेंडों में से वीडियो को शेयर भी करें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।